सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रिश्ता क्या है ये जानने से अच्छा अपनापन कितना है ये महसूस कीजिए। परिवर्तन कभी पीड़ादायक नहीं होता, केवल परिवर्तन का विरोध पीड़ादायक होता है। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना मुश्किल है पर गवाना आसान। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती जरूर है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। आज का पंचांग मांग मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि सुबह 8:17 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 2:54 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2 बजे से 3:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:14 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। तुला राशि 18 फरवरी 2021 दिन गुरुवार। सुस्त रहना और आराम करना इस समय आपको आकर्षित कर रहा है। आप अपने रचनात्मक पक्ष को सामने लाने के लिए तैयार हैं। कूटनीति से काम करें और मूर्खतापूर्ण जोखिम ना उठाएं। परिवार का कोई सदस्य आपका मार्गदर्शन कर सकता है, जिस पर विश्वास है उसके संपर्क में रहें। आज आपको आपका काम सुखद लगेगा। आप कोशिश कम करेंगे किंतु उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। आपके मित्र और प्रियजन आपको अच्छी सलाह देते हैं। अपने लक्ष्य को केंद्रित रखें और प्रयास करते रहें। बोलने से चुप रहना बेहतर है। अधिकतर ज्यादा बोलने वाले जमाने के हिसाब से धोखा खा जाते हैं। असामाजिक गतिविधियों में किसी गंभीर विषय पर चर्चा होगी तथा आपके द्वारा रखा गया मजबूत पक्ष सर्व मान्य रहेगा तथा यह संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा मिलने की पूरी संभावना है। आप जो भी योजना बना रहे हैं उस योजना को वास्तविकता का रूप देना फिलहाल के लिए संभव नहीं हो रहा है, इसलिए वक्त के साथ चलने की आवश्यकता होगी। आपके विचार और परिस्थिति से संबंधित लोगों के विचारों में तालमेल न रहने की वजह से भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और समस्या बनी रहेगी। व्यापारियों को मित्र द्वारा मिल रहे काम के नजरिए बड़ा फायदा प्राप्त हो सकता है। पार्टनर्स एक दूसरे के लिए वक्त निकालने की कोशिश करेंगे। आज दुविधा और उलझन की स्थिति भी बनी रहेगी, परंतु यह बस ऊपरी आवरण है। जैसे ही स्थिति साफ होगी आप वास्तविकता को देख पाएंगे। शुरुआत में सब कुछ उलझा हुआ सा लगेगा, लेकिन समय के साथ साथ सब ठीक होगा। अपना समय लें और चलते रहें, आपको सफलता मिलेगी। परिवर्तन तो जरूरी होंगे, लेकिन आपके भविष्य के लिए शुभ साबित होंगे। भूमि संबंधित सौदा लाभ दे सकता है। विवाह से भी लाभ हो सकता है। कोई संघर्ष प्रतिष्ठा वृद्धि करवा सकता है। किसी महत्वाकांक्षी योजना के मूर्त रूप लेने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हो सकती है। साक्षात्कार का परिणाम अनुकूल आ सकता है। शारीरिक भागा दौड़ी अपनी क्षमता से ऊपर रह सकता है। सावधानियां, विद्यार्थी वर्ग अपने पढ़ाई के प्रति और अधिक ध्यान दें, क्योंकि लापरवाही की वजह से रिजल्ट में कमी आ सकती है। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी पीठ पीछे आलोचना करेंगे, परंतु इसका नकारात्मक असर आपकी मान सम्मान पर नहीं पड़ेगा। बात करते हैं लव लाइफ की। संतान को कोई उपलब्धि मिलने से घर में उमंग भरा वातावरण रहेगा तथा रिश्तेदारों की
आवाजाही भी रहेगी। आज आप आराम या मनोरंजन के मूड में हैं, जहां रोमांस और यौन सुख आपकी प्राथमिकता है। कार्य या किसी मामलों में कूटनीति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। ध्यान रखें कि सच्चे प्रेम में साथी एक दूसरे को बदलते नहीं हैं, बल्कि जैसे हैं वैसे ही अपनाते हैं। अच्छा, आपको दूसरों की सहायता मिलने की पूरी संभावना है। जब बात आकर्षण की आती है तो आपकी बाहरी सुंदरता से ज्यादा आंतरिक सुंदरता सबको लुभा जाती है, और यही कारण है कि आपके साथ को सब पसंद करते हैं। रोमांस के लिए यह समय सोने पर सुहागे की तरह है, बस आपको अपनी तरफ से कुछ प्रयास करने हैं। अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता आपको अपने साथी से दूर ले जा सकती है। इनमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अपने प्यार को उचित तरीके से अपने साथी के समक्ष प्रकट करें, जो कि आपके दिल में है। आपका साथी आपसे प्यार और ध्यान की अपेक्षा करता है। जो जुनून और दीवानगी आपके प्यार में से गायब हो गई थी, वह आपके रिश्ते में फिर से अंकुरित होगी। अपने साथी को अपने प्यार की गहराइयों से अवगत कराइए। बात करते हैं करियर की। आप बहुत ही आराम से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें अड़चन डाल सकते हैं, और उनके हस्तक्षेप की वजह से एक बहुत ही नाटकीय दृश्य आपके कार्यालय में पैदा हो सकता है। आपका दृष्टिकोण संगठन के लाभ के खिलाफ माना जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक कदम पीछे रखें, ताकि इसका असर दूसरे पर हो। इस बीच में अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। संघर्षों भरे जीवन के इस चरण में आप स्वयं को अचानक टूटा हुआ या उदास महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखें, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। नए अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। बड़े आगे बढ़ें और उनको हासिल करें। सोच समझ कर जोखिम उठाएं। आज आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। इस चरण में आपको लाभ होगा, क्योंकि आपके आसपास के लोग और वातावरण आज बेहद सकारात्मक हैं। आपका जीवन अब सुगम होगा। लोगों की सुने इससे लोगों को अच्छा लगेगा और आपको भी ज्ञान प्रॉपर होगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और पूरे मन के साथ आगे बढ़ें। बात करते हैं सेहत की। आज आपको अपना ध्यान व व्यायाम करने के नए तरीके खोजने होंगे। किसी भी चीज को सुनते समय आपको ध्यान रहे कि आपका उनमें मन लग जाए और पसीना भी निकले। हो सके तो दोस्तों के साथ दौड़ने जाएं या फिर पास के सेहत सेंटर में खेल खेलें। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको अच्छा लगता है, तो आप यही करते रहें और वजन घटाएं। आज का उपाय। आज अब गरीबों को चने का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।